अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसएम रिव्यूज़। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं, मेरी सिस्टर और मेरा छोटा भाई अम्मार, जिसका आपको शायद नहीं पता होगा मेरा छोटा कज़न है अम्मार, हम तीनों ने एक चैलेंज रखा कि 500 यानी 500 रुपये में हम पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अम्मार ने कहा कि उसे सोडा पीना है, तो हम सोडा की शॉप पर आए, बेसिकली जिसे हम लिमका भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अम्मार से पूछ रही थी कि आपको कौन से फ्लेवर का लिमका पीना है। तो अम्मार यहाँ पर डिसाइड कर रहा था, क्योंकि अम्मार जो है वो थोड़ा क्या नाम है, चीज़ें चॉइस कर कर के पसंद करता है, उसको चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। तो यहाँ मैं उसको मना रही थी, क्योंकि उसको कोई भी फ्लेवर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा नखरे वाला है। तो यहाँ पर भाई जनाब ने ऑरेंज कलर का सोडा जो है वो पसंद कर लिया, और मैंने ब्लूबेरी पसंद किया। जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने कहा कि उसे सोडा नहीं पीना। अम्मार का यहाँ पे आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं कि अम्मार को सोडा बहुत पसंद आया, लेकिन जब वीडियो बंद कर दी थी तो अम्मार ने मुझसे ये बात शेयर की कि उसको सोडा थोड़ा सा मिक्स लग रहा था। बाकी अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ब्लू कलर पसंद है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक स्मॉल में लिया था, जो कि हमें 70 रुपीज़ में पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंगल बंदे की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा चैलेंज है वो हम सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन 500 में पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो ये फूड स्ट्रीट की बात हो रही है। अब आप लोग देख सकते हैं, अम्मार ने कहा कि अब यहाँ से चलना चाहिए, तो अब हम सोडा वेस्ट तो नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा कि ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक ही में। तो अब आप देखिएगा कि इसका क्या कलर बन गया। जी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया अलग से। अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं और हमने क्या क्या खाया। अब यहां से मैं काउंटर के पास जा रही थी, क्योंकि मुझे पैसे पे करने थे। पब्लिक में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आज के दिन तो हमारी बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जो अम्मार है, अम्मार भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ था, क्योंकि ये चैलेंज हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आ गए गोलगप्पे की शॉप पे। यहाँ पर हमने गोलगप्पे खरीदे। गोलगप्पों का जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। गोलगप्पे मुझे भी बहुत पसंद आए, मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आए, और अम्मार को भी बहुत पसंद आए। तो अम्मार से मैंने कहा कि अम्मार एक बार गोलगप्पे टेस्ट करके बता दो, तो अम्मार यहाँ पे गोलगप्पे टेस्ट करने वाले हैं। वैसे पर्सनली अम्मार को बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, बट आज अम्मार मुझसे कह रहा था कि उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो आप अम्मार का रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग, जब हमने गोलगप्पे खा लिए थे, उसके बाद हमने वहाँ काउंटर पे जाकर पैसे देना शुरू किए, तो हमें रेट का पता चला कि गोलगप्पे हमें 140 रुपीज़ में पड़े हैं। ये 12 गोलगप्पे थे, एक दर्जन गोलगप्पे हमने लिए थे, और ये हमें 140 के हुए थे। तो 70 का सोडा था, गोलगप्पे 140 के पड़े हमें। खैर, गोलगप्पों के टेस्ट के बारे में बात की जाए तो गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, हमने स्पेशली बहुत इंजॉय किया। हम हमेशा रेस्टोरेंट में जाकर तो खाना खाते हैं, लेकिन फूड स्ट्रीट खाने का अपना ही मज़ा होता है। फिर हम आइसक्रीम शॉप पर आ गए। अब आइसक्रीम शॉप के ऊपर मैं यहाँ पे पूछ रही थी अम्मार से कि अम्मार, आपने कौन सी आइसक्रीम खानी है, आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। तो अम्मार यहाँ पर फिर से थोड़ी देर लगा रहे थे सोच सोच के। बड़ी मुश्किल से अम्मार को कुछ पसंद आया, उन्होंने आइसक्रीम पसंद की, लेकिन अम्मार की आइसक्रीम हम इन पैसों में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने बोल गोला लिया, जो कि 170 रुपीज़ का था,
वो इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गोला गंडा बन रहा है। गोला गंडा बनते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, क्योंकि गोला गंडा स्पेशली मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत मज़े का लगता है। हम बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब हम स्कूल के टाइम की अगर बात करें तो स्कूल के बाद भी जब छुट्टी होती थी तो स्पेशली गर्मियों में गोला गंडे वाला आता था और हम गोला गंडा लाजमी खाते थे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ खाते थे लेकिन गर्मियों में गोला गंडा हम बहुत ज़्यादा खाते थे और हमारे लिए मस्ट होता था कि घर पे आते हुए हमने स्कूल से गोला गंडा लाजमी खाना होता था। यहाँ पे हमारा गोला गंडा तैयार हो रहा है। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि गोला गंडा आ चुका है और अब आप लोग गोला गंडा देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैंने अम्मार से कहा कि अम्मार एक बार ज़रा टेस्ट करके बता दो गोला गंडा कैसा है, क्योंकि अम्मार पास करेगा ही तो गोला गंडा पास होगा। बट अम्मार ने कहा था कि वो गोला गंडा नहीं खाएगा, बट और हम चाहते भी नहीं थे कि वो गोला गंडा खाए क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इनका गला ख़राब हो जाता है। अब हम आ गए हैं बिरयानी की शॉप पे। हमने सोचा थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए तो हमने एक प्लेट बिरयानी ली जो कि हमें 120 रुपीज़ की पड़ी थी, तो टोटल 500 हो गए और हम अपना चैलेंज जीत चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अम्मार ने बिरयानी भी पास कर दी। तो अब हमने नारियल ख़रीदा कुछ रिफ़्रेशमेंट के तौर पे, हमने कहा नारियल ख़रीद लेते हैं। तो नारियल वाले जो भैया हैं वो कह रहे थे कि मुझे वीडियो में लाजमी लीजिएगा, तो हम उनको वीडियो में ले रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और आज का दिन हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके गुजारा है, स्पेशली अम्मार के साथ। तो अब हम घर आ चुके हैं फाइनली। If you like my video, do like and subscribe my channel and share with your friends. Allah Hafiz. Bye.